नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग आज देख पा रहे होंगे रूम में कोई नहीं है, सब लोग घर चले गए हैं। और क्या है ना कि उड़ीसा में आए त्यौहार है पुष्पुनी, इसके लिए खाना बनाने वाले बाकी स्टाफ भी जो हैं सब घर चले गए हैं त्यौहार मनाने के लिए। तो हम लोग 4-5 लोग हैं, तो चलते हैं खाना बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनाते हैं। आप लोग कैसा लगेगा और कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, दाल पानी गर्म हो गया, इसमें थोड़ा बैंगन डाल दे रहे हैं ताकि दाल बनाएंगे तो थोड़ा गाढ़ा होगा दाल बैंगन डालने से। बैंगन तो मेरा वो डाल रहे हैं, उसके बाद वो बैंगन डाल के उसमें दाल डालेंगे। तो क्या है ना दोस्तों, वो अगर दाल कम रहने से भी वो दाल जो है सो गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, वो दाल को डालेंगे, और जो मेरा ये सर है ना, देख पा रहे होंगे हल्दी डाल रहे हैं। तो हम लोग कभी खाना बनाए नहीं, देखिए हल्दी किस प्रकार से डाल रहे हैं। थोड़ा बोला ज़्यादा नहीं हो जाए, देखिए किस प्रकार डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गिरा रहा है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। देखिए, देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह डाल रहे हैं। मेरा सर है, देखिए फिर घुमा के ले गए, नहीं डालें, डालिए सर, ज़्यादा नहीं होगा। देखिए वो मेरा एक ठोर जो है वो दाल डालें, वो डर लग रहा है कि कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कभी बनाए नहीं है ना दोस्तों, तो इसके लिए पहली बार बना रहे हैं। तो चलिए, वो सब एक लोग दाल डालें, एक लोग हल्दी डालें, तो अब हम नमक डाल देते हैं ताकि कोई किसी एक को ना बोल पाए कि आप ख़राब बना दिए, वो ख़राब बना दिए। तो चलिए हम डालते हैं नमक को, देखिए नमक जो है सो हम डालेंगे, अब 1 चम्मच डाल देंगे दोस्तों। कम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 1 चम्मच पूरा, हमको अभी डर लग रहा है डालने में, लेकिन डाल दिए फिर भी उसके वो पूरा ऊपर उबल रहा है। और गैस कर दो, कम कर दीजिए भाई। और देखिए गैस कम करने से, अगर मैं गैस बंद कर दिए, चलिए उसको फिर जला देंगे। गैस को जलाइए भाई, देखिए उसमें क्या तेल थोड़ा डालते हैं हम भी। तेल डालने से क्या है ना, वो जो फेना जैसा बन रहा है ना, वो फेना नहीं बनेगा दोस्तों। देखिए गैस जला रहे हैं, गैस को उस समय कम कम करने के चक्कर में बंद कर दिए थे, तो अब गैस को फिर लगा दिए। अब इसको जो है सो सब कुछ डाल दिए अभी, अब इसको ढक देंगे। ढक पानी भी गर्म हो गया, चावल डाल दीजिए। देखिए चावल डाल रहे हैं, सब लोग मिल के हम लोग कर रहे हैं, अकेला कोई नहीं कर रहा है। देखिए वो चावल डाल रहे हैं उसमें, थोड़ा झाड़ा दे रहे हैं उसमें लग गए हैं। थोड़ा कटोरी लाइए ना, उसमें पानी निकाल के डाल दीजिए ना उसमें बाल्टी में, और थोड़ा उसी में डाल दीजिए चावल में, वो तो निकलाइए। हाँ देखिए कटोरी से पानी इसमें डाल देंगे, और बाल्टी को पूरा अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे पानी से, उसमें डाल देंगे तो जो चावल इसमें पकड़ा हुआ है वो उसमें चला जाएगा। उसके बाद इसको क्या है ना, इसको थोड़ा चला देंगे, नहीं तो वो पकड़ लेगा तो फिर जल जाएगा चावल। इसको चला दिए, अच्छी तरह से चला दे रहे हैं। उसके बाद इसको जो है सो अब उसको ढक देंगे, तब तो चावल सीझेगा। तो देखिए मेरा चावल हो गया, अब इसको जो है ये थोड़ा लगी वाला है वो दीवानी चोरी की जिसमें लोग हो गई है कितना नहीं दिया वैसे दिला हुआ है थोड़े तो कहीं जैसे तो मेरा चावल हो गया। सबसे पहले दाल लगाए थे, वो दाल अभी तक नहीं सीझा है। मालूम पड़े था ना चाटू 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 बहुत चाटू है मेरे से जीरो था ना चलिए भात को हो गया, इसको छान ले रहे हैं। तो वो कहता है पूरा गीला है जो
चार्ज नहीं भेज दिया क्या है सच में यार चार्ज नहीं भेज दिया इसको भाप पर हम लोग इसको पानी को गिरा लेंगे और इसको यहाँ पर नहीं है बाप क्या लगा रही है इधर बोलेगा बालू बोला शेल छंटा लगा लेगा हाँ गैस चलाएंगे और दाल को जो सो तो चलिए हम तो कढ़ाई गर्म हो गया इसमें थोड़ा तेल डालेंगे इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देंगे देखिए दोस्तों दाल पूरा हम लोग छौंक दिए
इसको आप थोड़ा धो देंगे। तो दाल में धनिया पत्ता थोड़ा डाल देंगे, उसको आप भून लेंगे और दाल रेडी। तो देखिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं आलू और करेला का भुंजिया बनाने के लिए। देखिए तेल डाल दिए कढ़ाई में, अब इसमें जो है सो थोड़ा मिर्चा डाल देंगे, मिर्चा थोड़ा डाल दिए। उसके बाद प्याज डाल देंगे थोड़ा, देखिए प्याज डाल देंगे। अब इसको चला देंगे थोड़ा, देखिए प्याज पूरा लाल हो गया। तो अब इसमें जो है डाल देंगे करेला, करेला डाल दिए। उसके बाद देखिए डाल देंगे इसमें आलू, देखिए आलू गोल गोल काटे हैं, देख पा रहे हैं हम गोल गोल। देखिए थोड़ा इसमें हम नमक डाल देंगे, तो नमक डाल दिए। वो थोड़ा इसको चला देंगे, इसको हम थोड़ा ढक देंगे, इसको ढक दें और थोड़ा गैस को कम कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा चावल बन गया और दाल बन गया और आलू का भुंजिया बन गया। तो आप लोग को कैसा लगा वो मेरा आलू और दाल और आलू करेले का भुंजिया, कमेंट करके